उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा के मार्वल स्टूडियो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड फॉर एजुकेशन से सम्मानित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, डॉक्टर बीपी टंडन चेयरमैन ट्रिनिटी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रवीण शर्मा चेयरमैन वीवीएम स्कूल ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की ताकत होती है। मुझे बहुत खुशी है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को आज सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि नेताजी उन स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जो भारत के भविष्य को लेकर एक बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण रखते थे। बिना किसी संशय के उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि भारत एक स्वतंत्र एवं मजबूत राष्ट्र बनेगा जहां सभी समुदायों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। इसी श्रृंखला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड फॉर एजुकेशन से उन शिक्षकों को सम्मानित किया गया जो शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं और उन्हें राष्ट्र के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे शिक्षकों को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा मौजूदा अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। साथ ही AFT स्कूल के साथ ही आप स्कूल ऑफ इवेंट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिया। ये मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हम लोगों ने नेता सुभाष चंद्र जी बोस के नाम से पहला नेशनल अवार्ड आज शुरू किया है जो खास तौर पे एजुकेशनिस्ट को दिया गया है। 44 अवार्ड पूरे दिल्ली और NCR के क्षेत्र से जिन जिन स्कूलों ने बेहतरीन काम किया है पिछले कुछ सालों में और उभर कर निखर कर सामने आए हैं, उन लोगों को आज सम्मानित किया गया है। ये प्रथा अब हर साल चलेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम चुन चुन के उन तमाम संस्थानों को यहाँ पर सम्मानित करें जो लोग नई एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए और अपनी नई विचारधारा को लेकर एजुकेशन सिस्टम में एक नया इंकलाब पैदा कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं खुद भगत सिंह कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, मैं खुद सरदार पटेल विद्यालय से पास आउट हुआ हूँ और कहीं ना कहीं कूट कूट कर राष्ट्रीयता और जो नेशनलिज्म है, जो पेट्रियाटिज्म है, वो मेरे अंदर समर्पित है। और इसी कड़ी के अंदर जब हम लोगों ने मारवा स्टूडियो से कुछ अवार्ड शुरू करने की जब विचारधारा को बनाया तो सबसे पहला नाम आया था डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमन। आज वो अवार्ड बहुत चर्चित हो चुका है और देश भर और दुनिया भर से ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन महिलाओं ने बेहतरीन काम किया है और कुछ हटकर काम किया है। इसके बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इसको लॉन्च कर सकें। जिन लोगों ने कला के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है उन्हें हम लोग इस अवार्ड से सम्मानित करते हैं। इसी कड़ी के अंदर अगर हम आगे चलें तो हम लोगों ने जर्नलिज्म के क्षेत्र में उन लोगों को बेहतरीन तरीके से सम्मानित करने की कोशिश की है महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म से। अब इसी कड़ी के अंदर जब हम लोग आगे बढ़े हैं तो हमें ये लगा, क्योंकि 31 साल मुझे खुद एजुकेशन में हो चुके हैं, मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिन लोगों ने एजुकेशन के क्षेत्र में इस विद्या पढ़ाने के इस पूरे पाठ्यक्रम को समझाने में, और समझिए कि स्कूल और कॉलेज का सबसे बड़ा काम होता है टू डेवलप द कैरेक्टर एंड करियर ऑफ द नेशन ऑफ दिस कंट्री। हम लोगों ने देश को संवारने की कोशिश की है और इन लोगों को भी सम्मानित करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी देश के लोगों को। तो मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ फिर से कि हम लोग इन तकरीबन 40-44 लोगों को आज यहाँ सम्मानित कर सके। मुझे नया जोश, नई उमंग और यहाँ पर एक नया रास्ता नज़र आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस अवार्ड को पाने के बाद ये तमाम स्कूल जो हैं ये पहले से भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
देखिए, आज जो मारवा स्टूडियोज ने और डॉक्टर संदीप मारवा जी ने एक हमको मोटिवेट करने का जो काम करा है वो सराहनीय है। एक एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिससे समाज बनता है। एजुकेशन से देश की नींव रखी जाती है। जो भविष्य इस देश का होगा वो इन स्कूलों में डिसाइड होता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नाम को हम शिक्षकों के साथ जोड़ने से हमारा एक हौसला बढ़ा है, एक मोटिवेशन बढ़ा है और हमें और पॉजिटिव करने की एक आज अंदर से जो है एक आग जल गई है, एक अंदर से एक हम में एक पॉजिटिविटी आई है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? मैं डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन, मैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन जो देश और विश्व में बच्चों की रामलीला कराती है उसका अध्यक्ष हूँ, और कमल वंदना गुरुग्राम एंड ट्रिनिटी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिल्ली एनसीआर का चेयरमैन हूँ। आज हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ डॉक्टर संदीप मारवा जी के स्टूडियो में आकर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन था। हमारे जितने दिल्ली के प्राइवेट लैंड के स्कूल हैं उनके चेयरमैन प्रिंसिपल आए थे और बहुत ही डिसेंट वे में सुभाष चंद्र बोस अवार्ड सब ने रिसीव किए। और मैं धन्यवाद करूँगा डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मारवा जी का और उनकी पूरी टीम का। बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ आज उन्होंने जो ये कार्यक्रम में हमें ऑनर किया उसके लिए उनका धन्यवाद और आप सभी को शुभकामनाएं। कमांडर मनोज चौधरी, न्यूक्लियस स्कूल से हूँ। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है हमारे इस समाज में। जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके लिए हमें जो प्रोत्साहन मिला है वो उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी किया जाए वो कम है। हर एक जो बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, उनका ये हक है वो अच्छी शिक्षा मिले। और इसके बारे में मैं एक छोटी सी कविता बताऊंगा। अंकुरित हर बीज के, अंकुरित जो छोटा बच्चा पैदा होता है, अंकुरित हर बीज के नवल कोमल कोपलों को कुशलता से तुम सजाओ, सहजता से तुम सवारो। दहन की प्रचंड ज्वाला, पवन के प्रखर झोंके, वृक्ष के उन दृढ़ थपेरों से सदा उतना बचाओ कि टूट न जाए कभी, दृढ़ता पाए सभी। एकजुट होकर सदा ही क्रांति पथ पर अग्रसर हो। मनुज जीवन के समर में फिसल कर वो गिर पड़े ना, शूल भर के ही चुभन से प्राणपण विचलित खड़ा हो। एडमिशन बिल्डर्स एंड आई वुड लाइक टू थैंक श्री संदीप मारवा जी, वीपी टंडन जी एंड प्रवीण भाई जी फॉर गिविंग अस दिस ऑनर। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट फॉरम एंड ऑल्सो इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ मीडिया एंड फिल्म इंडस्ट्री टू गिव अस दिस ऑनर। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू मिस्टर डॉक्टर संदीप मारवा फॉर इन्वाइटिंग मी, ऑनरिंग मी इन द नेताजी सुभाष अवार्ड, फर्स्ट एजुकेशनल इंटरनेशनल अवार्ड। एंड लॉट ऑफ थैंक्स टू डॉक्टर प्रवीण शर्मा फॉर ऑनरिंग मी एंड मेनी मेनी थैंक्स टू होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ संदीप मारवा फॉर द ग्रेट हॉस्पिटल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आई एम ऑनर्ड टू रिसीव दिस अवार्ड बाय आवर मारवा स्टूडियो हु हैज एक्नॉलेज्ड आवर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।